एक बार एक लड़का साधु के पास गया और बोला, महाराज मुझे कम समय में बहुत बड़ी सफलता हासिल करनी है, लेकिन इसके लिए मैं नीचे से शुरुआत नहीं करना चाहता। आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं सीधे अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊं। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उपाय तो बता दूंगा, पर तुम्हें इससे पहले मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। मेरे इस बाग में से सबसे सुंदर फूल तोड़कर ले आओ, लेकिन ध्यान रखना, अगर आगे निकल जाओ तो पीछे मुड़कर फूल नहीं तोड़ना है। लड़का बोला, ठीक है महाराज, ये तो बहुत छोटा सा काम है, अभी तोड़कर लाता हूँ। वह बाग में गया, उसे पहला ही फूल बहुत सुंदर लगा, लेकिन उसने सोचा कि आगे इससे भी अच्छे फूल होंगे और वह आगे बढ़ गया। उसे आगे और भी अच्छे अच्छे खूबसूरत फूल दिखे, लेकिन वो अच्छे से अच्छा फूल देखने के लिए आगे बढ़ता रहा। जब वो बाग के अंत में पहुंचा, तो उसे वहां मुरझाए बेजान फूल दिखे। ये देख के लड़का निराश हो गया और खाली हाथ ही संत के पास पहुंच गया। जब संत ने उससे पूछा, तुम खाली हाथ क्यों आए, तब उस लड़के ने कहा, महाराज बाग में तो बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, लेकिन मैं अच्छे से अच्छे की तलाश में आगे बढ़ता रहा और बाग के अंत में पहुंचा तो वहां सभी फूल मुरझाए हुए थे, इस वजह से मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। फिर संत ने उस लड़के को समझाते हुए कहा, ठीक, हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम बड़े अफसर के चक्कर में हाथ आए छोटे अफसर को गवा देते हैं और बाद में पछताते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा मिलने की लालच नहीं करना चाहिए। कुछ भी अच्छा अवसर मिलता है तो उसका फायदा उठाएं। इस भरोसे में मत बैठे रहें कि आपको हमेशा बहुत बड़ा ही मिलेगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी छोटी कदम से ही एक दिन बड़ा कदम उठाता है।